गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ वाच्य लगेंगे बेटा। वाच्य, वाच्य क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, मतलब हम जिस विषय में बोल रहे हैं, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया, क्रिया क्या होता है बेटा? काम, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुई है। कर्ता, कर्ता कौन होता है? करने वाला, अर्थात सब्जेक्ट। कर्म, कर्म होता है काम। क्रिया कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार, काम के अनुसार या भाव, भाव फीलिंग के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहती है। जैसे अध्यापिका पढ़ाती है, बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चों से गाया जाता है। अध्यापिका पढ़ाती है, ये क्या है? अध्यापिका कौन है? कर्ता। क्या काम कर रही है? पढ़ाती है। तो ये बेटे इसके एग्जांपल है, इसको हम आगे डिटेल में मैं तुम्हें विस्तार में बताऊंगी। वाच्य के भेद, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के दो भेद हैं बेटा, कृतवाच्य अकृतवाच्य। कृतवाच्य, कृतवाच्य जिसमें काम को करने वाला कर्ता प्रधान होता है। कर्ता होता है सब्जेक्ट, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। जिसमें काम को करने वाला कर्ता प्रधान होता है वह कृतवाच्य कहलाता है। जैसे अध्यापिका पढ़ाती है, अध्यापिका पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है? अध्यापिका। तो अध्यापिका कौन है? कर्ता। अध्यापिका पढ़ाती है, अध्यापिका होगा कर्ता, तो ये हो गया कृतवाच्य। अगर इसको मैं ऐसे कहूं वह पढ़ाती है, पढ़ाना तो कर्म हो गया बेटा, वह पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर हम किसी को ये लिख दें कि अध्यापिका पढ़ाती है, तो अध्यापिका इसमें कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हमें पता भी लग गया कि अध्यापिका पढ़ा रही है। वह तो कोई भी हो सकता है बेटा, इसलिए अध्यापिका पढ़ाती है ये कृतवाच्य है। नेक्स्ट है कृतवाच्य। अकृतवाच्य में दो होते हैं बेटे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके दो भेद आ गए, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्यों में कर्म प्रधान होता है, कर्म, कर्म का अर्थ होता है काम, इसमें तो कृतवाच्य में तो कर्ता प्रधान हो गया, लेकिन कर्मवाच्य में काम प्रधान हो गया, तो वह कर्मवाच्य है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है, बच्चे तो हो गए कर्ता, उनसे क्या काम हो रहा है, कर्म क्या हो रहा है? उनसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है पुस्तक, तो काम हो गया पढ़ी जाती है। तो इस वाक्य में साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें कर्म प्रधान है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ तो कोई भी रहा है, लेकिन क्या काम हो रहा है? किताब पढ़ी जा रही है, तो ये हो गया बेटा कर्म वाच्य। नाउ नेक्स्ट भाव वाच्य। भाव वाच्य जिस वाक्यों में क्रिया का भाव, भाव मतलब फीलिंग, जो काम हो रहा है किस भाव से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इसकी प्रधानता दिखाई जाती है, वह होती है भाववाच्य। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, बच्चों से गाया जाता है, गाया जाता है, तो ये हो गया भाव। गा रहे हैं वो कर्म कर रहे हैं, गाया जाता है ये हो गया भाव, तो यह भाव है।
तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे से ये चैप्टर समझना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।